साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत का शनिवार को आयोजन किया गया। खरगोन मुख्यालय पर 7 खंडपीठों पर अदालत में लंबित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान एमपीईबी, नगरपालिका, बैंक संबंधित मामलों में भारी छूट भी दी गई। लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर बतौर अतिथि नव निर्वाचित विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, छोटे मोटे विवादों मामलों में उलझे लोगों को सुलझने का अच्छा अवसर है। ये लोक अदालत हमारी प्राचीन परंपरा पंच परमेश्वर का रूप ही है, जहां आपसी सौहार्द से मामलों का निराकरण होता है। न्यायाधीश जी श्री मिश्रा ने बताया कि 7 खंड पीठों पर 400 नियमित और 3000 प्रीलिटिगेशन मामले रखे गए हैं, जिसमें समझौते का अनुमान है, पक्षकार को राहत मिले इसके लिए प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आपको न्याय मिले उसको सिरोधरे करें, क्योंकि इससे अच्छा और इससे सुलभ न्याय और कहीं नहीं। लोक अदालत वास्तव में हमारी जो प्राचीन न्याय की परंपरा है, पंच परमेश्वर, 5 लोग मिलकर के हमारे भारत में पुरानी व्यवस्था थी, 5 लोग जिनको परमेश्वर का स्वरूप कहते थे, और 5 लोग मिलकर के जो निर्णय कर देते थे उसको सब लोग मान लेते थे। बस वैसे ही उसी धारणा को लेकर के आज भी ये इस प्रकार से सामूहिक निर्णय करने का एक अवसर है। अब मुझे विश्वास है आप सब लोग ध्यान लाभ लेंगे और अनावश्यक छोटी मोटी बातों को लेकर के वो जो विवाद में फंस जाते हैं, वास्तव में जो झगड़े होते हैं ये विनाश का कारण होते हैं। जहां झगड़ा है वहां कभी विकास हो ही नहीं सकता। इससे सबसे पहली यदि विकास करना है तो सबसे पहले झगड़ा को समाप्त करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग झगड़े समाप्त करें, आगे बढ़ें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुगम है दीन सवन को लगत है, दीन ही रखे न कोई, जो रहीम दीन ही रखे, दीन बंधु सब हो। आज का ये मौका है कि हमें जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं और जो इस विवादों में फंस गए हैं दोनों तरह से, एक तो आपस में उनका राजीनामा करवा करके उन्हें इस झगड़े से मुक्ति दिला दो। याद आती है, थके दोनों ही कर पेशी, समझौता करा दो तुम, नहीं खाने को अब रोटी, समझौता करा दो तुम। इस सूचे में अपने अध्यक्षता भाइयों से निवेदन करता हूं कि उन्हीं के हाथ में रहता है, जब तक वो यस नहीं कहेंगे, जब तक जो है उनका पक्षकार उसके लिए तैयार नहीं होता। एक मामला मुझे याद आता है जिसमें फरियादी तैयार था समझौता करने को, जिसको मारा गया था वो तैयार था, लेकिन जो अभियुक्त था, जिसने मारा था, जिस पर केस चल रहा था, समझौता होने पर जिसका भला था, वकील साहब ने उसको कह दिया कि नहीं करूंगा, तो वो नहीं करने को तैयार था समझौता। तो आज केस लोक अदालत की कमान आपके हाथ में है, अगर आपका यश हुआ, आप आगे बढ़े, तो आज की ये लोक अदालत सफल होगी। मैं पूरी ये जो महफिल सजी है आज उसका पूरा लक्ष्य पूरा हो, हम हर बार की तरह सबसे अधिक से अधिक केस निपटाने में सफल हो। आज सम्मानित विधायक जी की उपस्थिति यहाँ रही है, इनकी उपस्थिति जो है हम सबको अभिभूत करे और इस कार्यक्रम में नया उजाली प्रदान करे। मैं इस सारी सुंदरतम सारी व्यवस्था के लिए नगर निगम के सभी अधिकारीगण को, महेश विशेष रूप से महेश वर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और न्यायालय द्वारा जो है इसमें केसों का हल भी किया जाता है, उद्घाटन सत्र में पहुंच रहा है। नहीं, वास्तव में लोक अदालत हमारी जो भारत की प्राचीन न्याय परंपरा है, पंच परमेश्वर, सब लोग मिलकर के आपस में निर्णय करके तो छोटी मोटी बातों को सुलझा लें, बस उसी का ये प्रयोग है। और ये बहुत अच्छा लोक अदालत का जो प्रयोग है बहुत अच्छा है। इससे बहुत लोग छोटी मोटी बातों में उलझ जाते हैं, तो जो उलझे हुए लोग हैं उनको निकलने का, सुलझने का एक बहुत अच्छा अवसर है। उलझे हुए लोग सुलझेंगे तो और सुखी बनेंगे, अनावश्यक झगड़े से बचेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो एक अच्छा अवसर है सबके लिए। आज ही हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सौजन्य से और हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एस के जैन साहब के मार्गदर्शन में
इस वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत आयोजित किया गया है। आज हमने कुल यहाँ पर 7 खंडपीठें बनाई हैं, जिनमें समझौते के आधार पर मामलों का निराकरण होगा। बहुत सारी संख्या में आज यहाँ पर पक्षकार आ रहे हैं। सभी बैंकों ने आज जो है छूटें घोषित की हैं, जो ऋण राशियां हैं। इसी तरीके से दूरसंचार विभाग ने भी छूट घोषित किया है। विद्युत मंडल और नगर निगम द्वारा भी जो अपने टैक्सेस हैं उनमें छूट घोषित की गई हैं। हमारी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक लोग जो है इन छूटों का लाभ उठाएं। आज इस लोक अदालत में लगभग 400 नियमित केस और 3000 रिलिटिगेशन प्रकरण आज इसमें रखे गए हैं, जिसमें हम समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। मेरी जो अपेक्षा है कि करोड़ों में राजस्व आने की संभावना है आज, और पक्षकारों को इसी तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा का जो है अवार्ड आज हम सभी जो है अलग अलग न्यायालयों द्वारा पारित किया जाएगा। हमारी अपेक्षा है कि आप लोग इसको मीडिया के माध्यम से सब प्रसारित हो, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।